नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का मैच था एकदम थ्रिलर। इंडिया ने फिर से जीत का जश्न मनाया, लेकिन कोरिया ने भी इंडिया को पसीना छुड़वा दिया था। चलिए इस मैच का पूरा राउंड अप करते हैं और जानते हैं कौन बन गया आज का हीरो। साथ ही साथ स्कोर रहा 3-2 का। मैच स्टार्ट होता है और बस कुछ ही देर में संगीता कुमारी ने मचा दिया धमाका। एक जबरदस्त टोमहॉक शॉट के साथ पहला गोल। पूरा स्टेडियम इंडिया के नाम से गूंज उठा था। नवनीत ने भी कमाल का असिस्ट दिया। वैसे क्या टीम वर्क था बॉस। दूसरे क्वार्टर में इंडिया की पोजीशन में बहुत ज्यादा कंट्रोल था। कोरिया बस पीछे ही भाग रही थी, लेकिन छोटे छोटे चांस के बावजूद वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। कोरिया ने भी कुछ चांसेस क्रिएट किए, लेकिन हमारी डिफेंस टीम ने उनको रोक दिया। दोस्तों हाफ टाइम तक इंडिया लीड में थी 2-0 से। सबको लगा अब तो मैच सेफ है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तीसरे क्वार्टर में कोरिया वापस आई और अटैक पे अटैक किए। पहले तो एक पीसी मिल गया और यूरी ली ने कर दिया एक स्मार्ट गोल और इंडिया का लीड थोड़ा कम हो गया। कोरिया का पोजीशन भी बढ़ गया था दोस्तों। आज वो भी हार मानने वाले नहीं थे। आखिरी मोमेंट्स में इंडिया ने बहुत सारे पीसी लिए, लेकिन हर बार कोरिया का गोलकीपर वहां पे था। और फिर वो जबरदस्त मोमेंट आया जब दीपिका को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। सानसेन रुक गई थी, दीपिका ने काम रखा और गोल में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया ने लीड ली और स्कोर हुआ 3-2 का। मैच के एंड में कोरिया ने एक और ट्राई मारा, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। इंडिया ने जीत के साथ अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना दिया दोस्तों। और अब देखते हैं इंडिया क्या अपना अगला मैच थाईलैंड के अगेंस्ट भी जीत पाएगी। तो मिलते हैं अगले मैच के साथ। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलना दोस्तों, क्योंकि पहाड़ी ब्रदर्स ये एक ऐसा लौता चैनल है जो कि कबड्डी, हॉकी या फिर बैडमिंटन हो, हर स्पोर्ट्स को पूरा तरीके से कवर करता है। बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टीम इंडिया की, हॉकी टीम का जश्न मनाइए दोस्तों आज की जीत के लिए। जय हिंद।